जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है वो किसी सपने से कम नहीं है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। और ये सब कुछ किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया, ये जम्मू कश्मीर के डोडा के आप लोगों ने किया है। आपके इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल्प लिए हैं। साथियों, आज ही हमने टीकाराम टपलू जी को याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 3 दशक से ज्यादा हो गए, इसी दिन हमारे टपलू जी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का एक अंतहीन सिलसिला चला। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम बनाने का ऐलान किया है। इससे कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक दिलाने में तेजी आएगी। भाजपा ने आतंकवाद के सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला लिया है। और साथियों, भाजपा सिर्फ कहती है ऐसा नहीं है, करके दिखाती है। यहां मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है, इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला था। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया है। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है।